कई महिलाएं प्रेगनेंसी में खाली पेट कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जिससे उन्हें पूरा दिन उन्हें प्रॉब्लम होती है और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात आती है कि खाली पेट प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए, इसकी हमें सही जानकारी होनी चाहिए। तो मैं रश्मि उपाध्याय आपको इस बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स की प्रेग्नेंट होने के बाद हमें खाली पेट क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये प्रेगनेंसी में काफी इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि ये चीज सारे लोग नहीं बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अगर हम कोई गलती करते हैं, हम वैसी चीज खा लेते हैं जो हमें बच्चे को हमारे बच्चे को नुकसान कर देती है या हमारी हेल्थ को नुकसान कर देता है। हम जाने अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए और हमें उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि हमें प्रेगनेंसी में शुरू सुबह फल खाने चाहिए, आपने ये सुना होगा। तो कई प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी होती हैं कि फल खाने चाहिए, उसमें सुबह वो कोई सा भी फल खा लेती हैं जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता है, उनके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है और उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। उन्हें एसिडिटी हो जाती है और जलन होने लगता है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब बात आती है कि हमें कौन से फल नहीं खाना चाहिए सुबह। तो फ्रेंड्स, सुबह खाली पेट हमें नारंगी, कीवी, अंगूर, आंवला और जैसे खट्टे फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि एसिडिटी होती है और पेट में जलन और दर्द भी हो सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें प्रेगनेंसी में हमें खाली पेट क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाना चाहिए, तो सबसे अच्छा फलों में है एप्पल। आप एप्पल खा सकते हैं क्योंकि वो मीठा होता है, और एप्पल खा सकते हैं आप, बनाना एक खा सकते हैं, और ऐसे आप नारियल पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा हमें प्रेगनेंसी में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, ये तो रही फलों की बात। और इसके अलावा कई बार हम ऐसे नाश्ते में ब्रेकफास्ट खाली पेट ऐसे सुबह उठ के और उठते साथ खा लेते हैं जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है। तो हमें सुबह उठते साथ स्पाइसी या फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, तीखी चीजें नहीं खानी है, और जो तली हुई चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी है। उससे हमारे पेट में जलन हो सकती है, हमें मितली आ सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे स्पाइसी और तेल वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए खाली पेट। तो इसके अलावा हमें अगर हम नाश्ता करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम टोस्ट खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं और फल जूस ये पी सकते हैं। तो और कोई सा भी हल्का जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, मतलब जो लाइट चीजें होती हैं उसको खा सकते हैं, और ये हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा साबित होता है, हेल्दी साबित होता है। तो हमें प्रेगनेंसी में कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो खुद की हमारी तबीयत खराब हो जाती है, पेट में जलन होने लगता है और पेट खराब हो जाता है। तो हमें इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत ही सोच समझ के चीजों को खाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।